शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। बता रहे हैं गहना, आगे तुम्हारी मर्जी है। अरे लेकिन हम भीग गए थे, वंश जी ने हमें अपना कोट इसीलिए दिया क्योंकि हम बीमार ना पड़े। इतने भले आदमी है वो हमारी मदद हो गया। मिल गया आपको आपका जवाब, सुन लिया ना सारी बातें। चैन से हमें जीने क्यों नहीं देते आप अकेले? चले जाइए, छोड़ दीजिए हमें अकेला यहाँ। बहुत उछल रही थी ना तुम, अब उछलो। कीचड़ चाहे जितना भी उछले ना, कीचड़ ही रहता है। कभी साफ नहीं होता, गंदगी बन के रहता है। अब तुम्हें तुम्हारी औकात समझ आ गई गहना? मेरी बराबरी कर रही थी तुम। बराबरी और आपसे अब कैसे कर सकते हैं भीम साहब? और लोगों को नीचा दिखाना या उनके साथ इस तरह बुरा बर्ताव करना, वो भी हम कभी नहीं कर सकते। और आपके साथ वो तो बिल्कुल भी नहीं। और रही बात कीचड़ की, तो आपको तो पता है ना भीम साहब कि कीचड़ में एक कमल का फूल भी खिलता ही है। मैंने तुमसे पूछा क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? खून! कितनी बार बोला है उर्वशी, ध्यान दो। तुम तुम्हें तो चोट ही नहीं लगी। मैं चोट खाने वालों में से नहीं हूं, मैं चोट देने वालों में से। दिखाओ। हे भगवान, ये उर्वशी भी ना, मुझे तो लगा था उर्वशी का खून है। वैसे भी तुम दोनों का खून तो एक ही है ना। मेरा मतलब है तुम दोनों का ब्लड ग्रुप एक ही है ना। मैं पट्टी कर देती हूँ। मेरा पूरा परिवार इस गहना के नाम का जाप करता रहता है। अब इसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि याद रखेगी। ये ठीक है ना?
आज बहुत खुशी का दिन है। आज कृष्ण जन्माष्टमी है और आज हमारे घर की सारी परेशानियां दूर हो गई। वंश जी हमारे चुनाव प्रचार के लिए फंड्स देने को राजी हो गए। उर्वशी ठीक हो गई और हमारे घर में इतना बड़ा हादसा होने से बच गया, तो सब मिलकर बोले हैं, हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की, वृंदावन लाल जी की जय। बोलो कन्हैया लाल जी की जय। आज हमारे लिए भी एक खास दिन है। किसी ने हमसे कहा था कि वो नए सिरे से हमारी जिंदगी को गढ़ने में हमारी मदद करेंगे, और वो इंसान कोई और नहीं, आप ही अंश जी। आज आपकी वजह से हमें भी एक नया जन्म मिला है, और उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप ही डिजर्व करती हैं गहना। इसे कहते हैं बिना काटे बिना मिटाए लाइन को छोटा बनाना। अब हमें अच्छे से पता चल गया है गौरव कि तुम्हें पूरी तरह से अपना बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। हे कन्हैया, कृपा करो प्रभु, ये बात एक राज है और हमेशा के लिए राज बनकर ही रह जाए कि गहना हमारी बेटी है। हे यशोदा नंदन, हमें नहीं पता कि ये काला टीका वाली लड़की कौन है। वो जो भी है, अगर हमारे परिवार के लिए वो सही है, हमारी बेटी के लिए सही है, तो वो सदा सुखी रहे, सुरक्षित रहे। कन्हैया, बस इसी तरह इस घर की सुख शांति बनाए रखना और जीवन का नया रास्ता जो वंश जी ने हमें दिखाया है उस पे चलने की ताकत देना। वंश जी ने हमें नए तरीके से खुद को देखने की जो नजर दी है, उस नजर को बनाए रखना प्रभु। बोलो हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। इस अधूरे प्यार की पूरी कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।